नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। वीर राइफल क्लब पहुंचे शिखा एंड शान, आजमाया शूटिंग में अपना हाथ। वीर राइफल क्लब देखने पहुंचे अपनी टीम के साथ प्रसिद्ध रंगोली कलाकार शिखा और शान। क्लब पहुंचकर शूटिंग में अपने हाथ आजमाए। इस मौके पर दोनों ने शूटिंग क्लब की जमकर तारीफ की और अपने अनुभव साझा किए। शिखा ने कहा कि वीर राइफल क्लब में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सुविधाएं और प्रशिक्षक अत्यंत कुशल हैं। शूटिंग एक ध्यान केंद्रित करने वाला खेल है और मैंने यहाँ आकर इसे अच्छे से सीखने का प्रयास किया। वहीं शान ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ का वातावरण बहुत प्रेरणादायक है। मैं पहली बार शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे यह अनुभव बहुत ही रोचक लगा। देखिए ये रिपोर्ट। आपने भी फायर किया? हाँ, मतलब मैंने जब शिखा को देखा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो सर ने इतनी प्रॉपर टेक्निक के साथ बताया था, तो फर्स्ट टाइम में जो ब्लैक टारगेट होता है उस पर शूट कर लिया, तो फिर मेरी भी इच्छा कि एक बार मैं करूँ। सो हम बाहर गए थे जहाँ पे 25 मीटर की जो डिस्टेंस थी वहाँ पे हमने फायर शॉट किया था। बट एज यूजल जिस तरीके से मैं आर्ट में भी कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैनेजर ने कहा वहाँ पर मैं प्रॉपर निशाना नहीं लगा पाया था, क्योंकि सर ने शायद मुझे बाहर नहीं बताया था, शिखा के साइड ले रहे थे, तो प्रॉपर बता के वहाँ पर टारगेट प्रॉपर शूट कर रहा था। कोई बात नहीं, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप जरूर शूट कर पाएंगे। हाँ जी, मतलब मुझे पता भी था कि हमारे इंदौर में इतनी अच्छी जगह है, जो अरविंदो इतनी बार यहाँ से निकलते हैं, उज्जैन इतनी बार जाते हैं, इस रोड से भी कई बार निकलते हैं। नहीं पता था कि जो वीर राइफल शूटिंग सोसाइटी यहीं पर है, क्लब यहीं पर है, और इतने सारे आम से जो हम मतलब यूजुअली जितने हम यंगस्टर हैं वो पबजी बीजीएमआई गेम्स में देखते थे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा अमेज हुआ। इतनी सारी मैंने गन्स देखी, राइफल्स देखी, तो मुझे तो बहुत मजा आया। तो आपको पबजी में ज़्यादा मज़ा आया या यहाँ ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भी अपना वही काम था, बस उतरते थे पेटी बन जाते थे बट यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस जो रियल में आप कोई चीज़ देखते हैं, टेक्निक जो आपको यहाँ सीखने को मिलती है वो काफ़ी अलग थी, और इतना सर को इतना एक्सपीरियंस है तो उन्हें एक बार में वो चीज़ जो सिखाई उससे तो बहुत अच्छा लगा। आप चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होगा जो हमारे इंदौर के भी हैं, और मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ आया, बट मुझे इतना अच्छा लगा कि हमने बैठे बैठे ये भी सोचा कि हम सैटरडे या नेक्स्ट संडे कभी आएंगे और फिर प्रॉपर तरीके से एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो इंदौर के पास में ही है, जो भी समर कैंप में चल रहा है, जो भी फिर शूटिंग या इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ। प्रॉपर प्लेस भी प्रॉपर है, इक्विपमेंट्स पूरे प्रॉपर हैं, टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं, तो एक बार तो मस्ट विजिट बनती है, एक बार तो आना चाहिए आपको।